पाकिस्तान च होया धार्मिक भावनावां दा अपमान। गुरु घर नेड़े सरकारी अधिकारियों ने खड़काए जाम। भारत च नापाक हरकत दा होया जम के विरोध। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब दुनिया भर च वसदी सिख कौम दे नाल जुड़िया एक मुकद्दस स्थान है, पर पाकिस्तान च स्थित अते पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दे नाल जुड़े इस गुरु घर तो महज 20 फुट की दूरी से अजिहा जशन मनाए जाने दीआं खबरां सामने आईआं ने जिन्हां ने सिखां दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाई है, क्योंकि दावे मुताबक इस जशन च मीट अते शराब परोसी गई। हैरानी की गल यह है कि इस जशन का प्रबंध करने के इल्जाम श्री करतारपुर कोरीडोर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी से लगे ने। इस तो अलावा रात 8 बजे शुरू हुई पार्टी च नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद शाहरुख, नारोवाल के जिला पुलिस अधिकारी सन, वख वख भाईचारिया के 80 तो वध लोग शामिल सन। इतों तक कि गुरद्वारा साहब के हैड ग्रंथी ज्ञानी गोबिंद सिंह भी इतने नजर आए। इस जशन दीआं वीडियोज़ वायरल होने तो बाद सिख जगत च रोस नज़र आ रहा है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इस मर्यादा की उलंघना की निखेधी की है, क्या है कि उन्होंने वालों पाकिस्तान ते भारत सरकार नूं चिट्ठी लिख के यह मुद्दा जरूर चुकया जाएगा। करतारपुर के पवित्र धन गुरु नानक देव पातशाह का जिहड़ा स्थान आ उहदे नज़दीक पिछले दिनों के कुछ दुखदाई घटना वापरियां जिहड़ियां एक चर्चा का विशा नहीं, क्योंकि मर्यादा नाल संबंधित आ, वह भी असीं भारत सरकार नूं भी लिख के भेज रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार नूं भी लिख के भेज रहे हैं कि उत्थे गुरु घरां दीआं जिहड़ियां मर्यादावां आ उहनां नूं जरूर जिहड़ा उहनां ध्यान विच रख्या जावे, क्योंकि गुरद्वारा साहिबान की एक आप की मर्यादा हुंदी, वो मर्यादा के तहत जरूरी हुंदा कि वह सारी मर्यादा उत्थे लागू होवे। सो पिछले दिन ही वो होया, उहदी रिपोर्ट भी असीं मंगा रहे हैं, तो यह भी असीं मंग करते हैं पाकिस्तान सरकार तो भी उन्हां दी उस स्थान की जिहड़ी पवित्रता आ उहनूं जिहड़ा आ उह बरकरार रख्या जावे। अकाल बोर्ड नूं भी लिख के भेजांगे, क्योंकि सारी लुक आफ्टर उन्होंने गुरद्वारे साहबाना की अकाश बोर्ड करता है, ता कि वह भी इन सारे मसलों की सानू रिपोर्ट भेज सकन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट करके इस मुद्दे से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के गुरद्वारा श्री करतारपुर साहब विखे जिस तरह रहत मर्यादा की लगातार उलंघना की जा रही है उसने दुनिया भर के सिख भाईचारे दी भावनावां ठेस पहुंचाई है। पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ताज़ा उलंघना की पक्के तौर पर रिपोर्ट करनी चाहिए है। यह मामला पाकिस्तान सरकार के आला अधिकारियों तक पहुँचाया जाए ता जो उलंघना करने वाले खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जा सके, नाल ही पवित्र स्थान से रहत मर्यादा की पालना करने के लिए प्रभावी कदम भी चुके जाने चाहिए ने। श्री करतारपुर साहब वर्गी पवित्र पाक जगह के उत्ते जिहड़ी घटना हुई है बड़ी दुखद है, और यह घटना पाकिस्तान का घिनौना चेहरा इन सामने आया, और इत समझ आता है कि किस तरह साढ़े नाल लगते कंट्रीज के अंदर अल्पसंख्यक भाईचारा, चाहे उत्थे रहने वाला सिख है, हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, और किस तरह का व्यवहार उत्थे किया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर नानक नाम लेवा संगत का श्रद्धा का केंद्र, आदर का केंद्र, पूजा स्थल, शक्ति स्थल, उन्नू जिथे गुरु नानक साहब के चरणा की छो प्राप्त हुई है उस थान के उत्ते एडी घिनौनी घटना करना, ये पाकिस्तान का घिनौना चेहरा सामने आया। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब वो स्थान है जिथे श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया नू किरत करो, नाम जपो, वंड छको का सिद्धांत दिता। इस स्थान की सिख धर्म च खास महत्ता है, पर उन्हां भावनावां नू अखों परोखे करके उत्थे मर्यादा की उलंघना की जाना वाकई च बेहद मंदभागा है, वह भी सरकारी अधिकारियों वालों।
अजिहे च आस यही है कि उत्थों की सरकार इस दे खिलाफ सख्त कदम चुकेगी ता जो भविख च अजिहियां घटनावां ना हो। अमृतसर तो मनिंदर मोंगा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट बीटीसी न्यूज। तो इस पार्टी के जो कुछ भी होया वाकई च मंदभागा सी। उधर गुरद्वारा श्री करतारपुर साहब नेड़े हुए इस पार्टी के मामले में लैके गुरद्वारा साहब के हैड ग्रंथी गोविंद सिंह ने खुद कैमरे अगे आके स्पष्टीकरण दिता। उन्होंने कहा कि गुरद्वारा साहब तो करीब 2 किलोमीटर दूर खाने का प्रबंध किया गया सी। सोशल मीडिया से गलत प्रचार किया जा रहा। दस दिए कि विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवा ते कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी दे विच अपनी सफाई देंदे विखाई दिते हैड ग्रंथी विधायकों का वफद पाकिस्तान अज गया सी। तस्वीरों दे विच नज़र भी आ रहे हैं कुलतार संधवा की अगवाई विच कैबिनेट मंत्री अते विधायकों का यह जिहड़ा वफद पहुंचया सी। इसे दौरान उतों के हैड ग्रंथी वालों हुण यह क्लैरिफिकेशन दिता गया कि गुरद्वारा साहब तो 2 किलोमीटर दूर यह पार्टी हुई है। एक सोशल मीडिया दे विच नैगेटिव प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि करतारपुर साहब की पवित्र धरती से करतारपुर साहब गुरु घर के अंदर PMU ने मुसलमान वीर ने गुरु घर की रहत मर्यादा भंग किया उत्थे गोश चलाया। वाहगुरु माफ़ करे मेरे को तो जबान नहीं मैं नाम भी लै सकता गुरु घर च उत्थे शराबा चलिया उत्थे होर बहुत सारा कुछ होया। गुरु प्यारी साहब संगत जी मैं इस लफ्ज़ इस सोशल मीडिया से जो नैगेटिव प्रोपोगंडा हो रहा उसकी निंदा करता हाँ। और जिमें कि भाई साहब जी स्पीकर साहब आए हैं डिप्टी स्पीकर आए हैं गुरु घर करतारपुर साहब कोरीडोर 875 एकड़ के है और उस 875 एकड़ के मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए हैं। हाँ जिहड़ा खाने का अरेंज किया गया वह गुरु घर तो 2 किलोमीटर दूर भाई साहब जी ने उन्होंने उपर चढ़ के देखा भी है और उत्थे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जी कहा गया कि शराब पीती गई उत्थे कोई ऐसा काम किया गया जो गुरु घर की रहत मर्यादा नहीं। हाँ खाने का डिनर का जरूर उत्थे इंतजाम होया है उत्थे गोश्त का भी प्रबंध किया गया बट वो 2 किलोमीटर दूर है ओलहदा पोर्शन के अंदर है उत्थे गुरु घर की कोई बाउंड्री नहीं है। जो नैगेटिव प्रचार किया जा रहा है असी आउंदे ही जिहड़ा तौखला जिहड़ा सानू लग्या सी असी सरदार गोबिंद सिंह जी जिहड़े कि इत्थों दे मुख सेवादार ने हैड ग्रंथी ने इन्हां तो पुछया और इन्हां ने गुरु साहब की ताबे च बैठ के गल क्लीयर कीते कि इस तरह का जिहड़ा खाने का इंतजाम सी वो इत्थों 2 किलोमीटर दूर जिहड़ा कंपलैक्स आ वक्खरा कंपलैक्स आ उहदा करतारपुर साहब दरबार साहब कंपलैक्स के नाल कोई संबंध नहीं है। और मैंने लगता भी गुरु तो वड्डा साडा कोई गवाह नहीं है जे गुरु की ताबे च बैठ के गुरु की ताबे च बैठ के सरदार गोबिंद सिंह होरां ने गल नूं क्लीयर करता।